फ्रेंड्स, कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी चीजों में मौजूद लैक्टोज से एलर्जी होती है। इन लोगों के लिए कैल्शियम का एक अच्छा विकल्प मोटा अनाज हो सकता है। ऐसे में मोटे अनाज में रागी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी से बचने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो रागी जरूर खाएं। इसमें मौजूद आयरन रेड सेल्स का उत्पादन बढ़ाता है और एनीमिया जैसी तकलीफ को दूर करने में मदद रूप है। कमजोरी और दुबलेपन से परेशान लोगों को इस अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके थकावट और कमजोरी भी दूर होती है। इसमें प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स होते हैं। इसके सेवन से मसल्स बढ़ते हैं और यह शरीर को मजबूत बनाता है। रागी के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो पाचन को धीमा करते हैं। इसकी वजह से खाने का ग्लूकोज भी खून में धीरे धीरे पहुंचता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसका इस्तेमाल व्रत में भी किया जाता है। वैसे तो रागी के आटे से रोटी बनाकर खाई जाती है। इसके अलावा लोग इसे डोसा, इडली, उपमा, पराठा, हलवा, बर्फी बनाकर भी खाते हैं। व्रत में खासकर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लोग इसे चीले के रूप में और या हलवा बनाकर खाते हैं। वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।